वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी थोड़ी से प्लांट लेने। अभी हो रहा है जैसे कि 6:30 हो रहा है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ प्लांट लेने, क्योंकि मेरे घर में तुलसा जी नहीं है, तो उसके लिए मुझे तुलसा जी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लाने के लिए। लेकिन अब जन्माष्टमी भी आ रही है, तो मैंने सोचा अभी जाके आज मैं सुबह ले आऊँ, और फिर उसको रिपोर्टिंग भी तो करना होगा मुझे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पर। तो वहाँ का भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो मिलते हैं वहाँ पर आपको। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिए हैं प्लांट, जैसे कि दो तुलसी के पेड़ लिए थे, रामा और श्यामा, केला का पेड़ लिया था, और लिया था मधुमालती की बेल। तो ये देखिए, मैंने दो प्लांट लिए थे तुलसा जी के, रामा और श्यामा, तो दोनों को मैंने रिपोर्ट कर दिया इसमें। और देखिए चलते हैं, केला का पेड़ कहाँ पे लगा, ये देखिए केला का पेड़ लगा हुआ है, और एक लगी है मधुमालती की बेल, ये देखिए मधुमालती की बेल है, और एक और प्लांट है, ये देखिए इधर साइड में लगा हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही जम। तो फ्रेंड्स, वहाँ से मैं आ गई हूँ, और मैंने नहा भी लिया है, नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है, और पूजा करने के बाद मैं चाय वगैरह पी नाश्ता भी कर लिया थोड़ा सा मैंने। अभी मुझे जाना है मार्केट, फिर से मार्केट जाना है, तो वहाँ का भी मैं दिखाऊंगी। और जैसा कि आज आपको देखना है कि मैं क्या घर में लाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। गणेश जी भी देखो बने हैं, टॉवल में नहीं है, टॉवल में चल पे जी। अभी मैं गई थी शॉपिंग करने, तो वहाँ का अभी मैंने आपको दिखाया, और मैं लाई हूँ लड्डू गोपाल। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे कैसे हैं और उनकी ड्रेसेस कैसी हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए लड्डू गोपाल हैं, जो मैं लाई थी मार्केट से, वही उसी शॉप से लाई थी जो अभी आपने देखी होगी शॉपिंग के टाइम में। और ये देखिए बड़े से लड्डू गोपाल हैं, काफ़ी बड़े हैं ये, अभी आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे लेकिन काफ़ी ये बड़े हैं ये। और ये इनके हेयर हैं कर्ली हेयर, जैसे कि लड्डू गोपाल के बाल कर्ली हेयर में ही होते हैं। और ये देखिए बंसी है, बंसी में मोर बनी हुई है, ये इनका पूरा सेट है, गले का है, इसमें माथे का टीका है, और ये कान के ईयरिंग्स हैं, और ये हार है, ये मुकुट है। तो और ये इनकी ड्रेस लाए हैं, बहुत सुंदर सी ड्रेस है, और इसीलिए मैचिंग से पूरा सामान लाई हूँ इनका। और अभी जैसे कि अभी जब इनको रखना होगा, उससे पहले दो, क्योंकि अभी मेरे पास में 3 दिन का टाइम है, आज मैं सबसे पहले इनको गेहूँ में रखूँगी, उसका वीडियो मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गेहूँ के रखने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं उनमें कन्वर्ट करूँगी, जैसे कि सबसे पहले गेहूँ हो गया, और कोई भी अनाज हो आप ले सकते हो, तो उसका वीडियो मैं अलग से डालूँगी। थोड़ा सा सामान मैं ये भी लाई थी, नमकीन वगैरह लाई थी, और ये मीठी ब्रेड भी लाई थी, थोड़ा सा ये दालों वगैरह लाई थी, सारे सामान लाई थी थोड़ी सी में। तो और सुबह में खाना बना के भी गई थी, सुबह मैंने खाना, ये भी दाल रोट लाई थी, ये गज़ल को बहुत पसंद है। और मैं सुबह खाना बना के रख गई थी घुइयां की सब्ज़ी और रोटी, जो कि घुइयां की सब्ज़ी इन लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है वो। तो
आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग लड्डू गोपाल का और प्लांट का, जहाँ मैं नर्सरी में गई थी वो बालाजी नर्सरी थी, और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे उन पर ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सबके प्रिय होते, सबके घर में होते हैं वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।